हाय एवरीवन, जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में जाना कि मार्क्सिस के क्या व्यूज थे स्टेट से रिलेटेड, तो आज के लेक्चर में हम प्रीवियस लेक्चर से इंटरलिंक करते हुए मिकाइल बकुनिन के व्यू को जानेंगे कि वो कैसा समझते थे कि एक राज्य किस चीज के लिए फायदेमंद हो सकता है, कितना नुकसान दे सकता है, एक ह्यूमैनिटी और ह्यूमैनिटेरियन के लिए कितना अगेंस्ट जा सकता है। तो मिकाइल बकुनिन के व्यू से आज हम जानेंगे कि राज्य किस हद तक हेल्प आउट करता है ह्यूमन सिस्टम को, ह्यूमन बीइंग के एनवायरनमेंट को डेवलप करने के लिए और उनमें प्रॉस्पेरिटी और प्रोग्रेसिव एलिमेंट्स लाने के लिए। सो लेट्स बिगिन। एज आई टोल्ड कि जैसे कि हमने देखा प्रीवियस लेक्चर में, Marxist was against the state and similar Bakunin was also. The same theory has been repeated out by Bakunin. He says ki jo particular view dekha gaya ki kaise ek state ko work karna chahiye aur kaisa ek state ka fundamental nature hai jo work karta hai, usse unhone yahi pata lagaya ki jo state hai wo is situation mein work out karta hai जिसमें पावर जो है इन इक्वालिटीज एग्जिस्ट करती है। एक सोसाइटी में, एनवायरनमेंट में पावर को, पावर के द्वारा जो इन इक्वालिटीज एग्जिस्ट हो रही हैं, उस वजह से देयर इज एन इशू। और यही प्रॉब्लम लाय आउट करता है कि हाउ द गवर्नमेंट शुड गवर्न आउट, नॉट इन अ पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ही क्वेश्चन कि कैसे गवर्नमेंट गवर्न आउट करती है, दिस इज द क्वेश्चन कि जो पावर, जो स्टेट पावर है वो किस तरीके से इस्तेमाल की जा सकती है और किस तरीके से इस्तेमाल की जाएगी जिसकी वजह से असमानता आ जाए और जो क्लास स्ट्रगल है वो आ जाए, क्लास इश्यूज डेवलप हो जाए। वो आपके सरकार किस तरीके से चलाए, सरकार को उस पर डिपेंड करती है। सो ही सेड कि देयर इज सम attention to arguing for anarchism. His views believe ki there is an enslavement of humans to an imaginary will, the negation of reason and the basis for earthly dictatorship. State can be considered that monopolizing elegance. He believe ki jo state hai, it claim to have the monopolized elegance which claims ki kuch impose kiya jata hai injustice or cruelty as a duty. जो एक्चुअली ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट होती है, सो पीपल बिकम सिटीजन इंस्टेड ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। बाय दिस ही मीन कि जो स्टेट है वो इस तरीके से अपनी ड्यूटी इम्पोज करती है जो एक तरीके से दूसरे क्लास के टूवर्ड्स इनजस्टिस हो सकता है और एज अ क्रुएल्टी वर्कआउट हो सकती है, जो एक ह्यूमैनिटी फैक्टर को अगेंस्ट जाकर वो अपना रोल प्ले आउट करती है। तो इस चक्कर में जो सिटीजन्स हैं, जो लोग हैं, वो सिटीजन्स बनेंगे इंस्टेड ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। सो स्टेट ट्राई टू ब्रेक डाउन ह्यूमन सॉलिडेरिटी। हियर ही क्लेम, बकुनिन यहाँ पर ये क्लेम कर रहे हैं कि जो राज्य है वो एक तरीके से ह्यूमन सॉलिडेरिटी को ब्रेक करता है बाय पोस्टिंग देमसेल्फ एज द फाइनल पॉइंट ऑफ रेफरेंस फॉर द सिटीजन और सब्जेक्ट। मतलब जो स्टेट को, जो राज्य को कुछ करवाना होता है वो उनके पावर और या उनके लिए सही है, तो वो ये नहीं देखते थे कि वो ह्यूमन के अगेंस्ट कितना है। ही जस्ट वॉन्ट टू डू दैट। मतलब स्टेट को अपनी मनमानी होती है तो ही कुड यूज अदर थिंग जो अगेंस्ट जा सकती है। द स्टेट प्रोड्यूस अ स्टेट मोरालिटी एंड रीजन ऑफ स्टेट एंड बाय दैट ही सेड इट कि स्टेट पावर के लिए क्या ठीक है, क्या गलत है और क्या अच्छा है, क्या बुरा है, उस हिसाब से वो अपना वर्कआउट, अपने रूल्स और अपने रेगुलेशंस निकालते हैं डिस्पाइट ऑफ थिंकिंग कि लोगों के लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। तो राज्य के होने से क्या हुआ, एक तो पावर्स डिवाइड हो गई, इनइक्वालिटीज आ गई, क्लास आ गई, क्लास स्ट्रगल स्टार्ट हो गई और इस वजह से एक जो सोसाइटी है जिसको एक प्रॉपर फ्रीडम और लिबरल और डेमोक्रेटिक होना था, वो उन सब चीज़ों से पीछे और उन चीज़ों से उनका फोकस हटके इन पावर्स में, पॉलिटिकल पावर्स में डिवाइडेड हो गया। सो ही ऑल्सो से कि जो स्टेट है, इट एक्ट एज कॉन्क्वेस्ट एंड डोमिनेशन। Why he call this कि जो राज्य है वो एक domination factor और एक conquest play out करता है, because जो state है उसका जो nature है that is aggressive, because modern state is necessarily a military state। So उसमें बताया गया कि कैसे
अगर किसी स्टेट को अपनी बात मनवानी होती है तो व्हाट दे डू, दे यूज आर्मी, पुलिस फोर्स एंड ब्यूरोक्रेसी. और जो स्मॉल और जो छोटी स्टेट होती है वो वल्नरेबल होती है. क्यों? क्योंकि जो बड़ी स्टेट होती है वो उन पर आके हुकूमत कर सकती है, उनको खत्म कर सकती है बिकॉज ऑफ दिस फैक्टर. सो बाय दिस व्हाट हैपेंड, दोबारा वही बात आ जाती है कि जो एलीट क्लास है, जो कैपिटलिस्ट हैं, जो पावर में हैं, जिनके पास बहुत ज्यादा पावर है, वो वर्किंग ग्रुप, वर्किंग क्लास को डोमिनेट करके उनकी स्टेट ही खत्म कर सकते हैं. सो स्टेट डू नॉट इजिली टॉलरेट इक्विवेलेंस. उनका कहना और उनका मानना ये था कि इक्विवेलेंस टॉलरेट नहीं कर सकता स्टेट. क्यों? क्योंकि उन्हें अपनी सुप्रीमेसी चाहिए सोसाइटी में, कि एक ही इंसान, एक ही मतलब जो राज्य चलाए या जो स्टेट को चला सकता है, वो ऐसे लोग होने चाहिए जो सिर्फ सारी ताकत उन्हीं के पास हो और वो अपनी हुकूमत चला सके उन लोगों पे. तो बाय दिस स्टेट फैक्टर देयर हैज सो मेनी थिंग्स कम आउट, कि डोमिनेशन स्टार्ट हो गया, कॉन्केस्ट स्टार्ट हो गया, सप्रेसिव स्टार्ट हो गया, क्लास स्ट्रगल स्टार्ट हो गया, मेनी अदर थिंग्स हैज बीन कम आउट इन द लाइट बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ द स्टेट. सो ही पुट एवरीथिंग इन ऑल टुगेदर कि कैसे एक राज्य के कॉन्सेप्ट से कितना कुछ एक सोसाइटी में बदलाव आ गया, बाउंड्रीज चेंज हो गई, एंड द स्टेट एग्जिस्ट टू ग्रैब एंड नोज नो बाउंड्स ऑफ इट्स ओन. सो देर आर सो मेनी नेगेटिविटी हैज बीन इवॉल्व इन द सोसाइटी बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ द स्टेट. उन्होंने बोला एक और चीज कि जो इंटरनेशनल रिलेशंस हैं, कि कैसे रिलेशन मेंटेन करना है स्टेट को, स्टेट के बीच में जो वॉर्स ना हो सके, बाय दिस कॉन्सेप्ट वॉर्स हैज बीन टेकन प्लेस. क्योंकि सब चाहते हैं कि वही जीतें, वही एलीट हों, वही सुप्रीमेसी में आए, तो दिस हैज बीन टेकन इन टू प्लेस और वॉर स्टार्ट हो गए. देन दे से द स्टेट एंड डिफरेंस, द स्टेट इज अनेबल टू डील विद द रेंज ऑफ डिफरेंसिस विद इन ह्यूमैनिटी एंड बिकॉज इट गवर्न्स इमेंस नंबर्स फ्रॉम द टॉप डाउन, इट नेसेसरली इन्वॉल्व्स माइनॉरिटी रूल. सो दिस हैज बीन सेड इट कि स्टेट में जितने भी डिफरेंसेस आए विद इन ह्यूमैनिटी वो भी बढ़ते चले गए. तो अगर किसी, ऑफकोर्स हर सोसाइटी में अलग अलग तरीके के लोग होते हैं, अब ज्यादातर आपने देखा होगा कि वर्किंग क्लास को सेक्रीफाइस करना होता है. क्यों? क्योंकि जो कैपिटलिस्ट क्लास होती है दे जस्ट वॉन्ट, वो अपने इम्पोज करते हैं राइट्स, और जो भी राज्य में होते हैं या जो गवर्न करते हैं, ये सारे जिनके हाथ में पावर आ जाती है, वो अपने रूल्स को इस तरीके से बनाते हैं कि सेक्रीफाइस उनका नहीं होता, जो फॉलो करते हैं उनका सेक्रीफाइस होता है. तो बकुनिन सेड देयर विल ऑलवेज बी समवन हु आर सेक्रीफाइस्ड, जैसे पब्लिक गुड, पब्लिक सेफ्टी और विल ऑफ द पीपल इज नेसेसरली ऑल द रियल विल्स ऑफ पर्टिकुलर पीपल, बट देयर आर दे हैव टू ट्राई आउट सबॉर्डिनेट लार्ज नंबर ऑफ पीपल टू द थॉट्स ऑफ अ पर्टिकुलर ब्रेन. So state centralization necessarily produce moral and intellectual decay, and he argues ki this is the reason ki hamara culture khatam ho raha hai and into obscurity. And as he gave the example ki kaise rote learning university mein replace kar di gayi hain by the hard working of that thing, this is because the state functions better if the people who are dominated are also stupefied and dulled in their thoughts and feelings. So You could see that कि जो राज्य चलाने वाले हैं, अगर वो without seeing कि कितना people का develop हो रहा है, society का develop हो रहा है, जो उनके thoughts और जो उनके ideology अगर वो impose कर दी जाए, तो कितना नुकसान हो सकता है एक पूरी society को. The state require for its existence that people be kept ignorant, incapable and of low status, so that the ruling class and the state can claim to be leading humanity towards a common good. The state as elite rule, of course. एलीट रूल इसलिए कहा है क्योंकि क्लास डोमिनेशन है, और मेजॉरिटी रूल नेवर मटेरियलाइज एज पार्टीज कंटिन्यू टू बी डन बाय एलीट लीडरशिप. तो उन्होंने देखा कि जो लीडरशिप है वो एलीट का है, तो एलीट ही लोग उसको ले आउट करते हैं स्टेट को, और स्टेट में जितने भी रूल्स हैं वो भी बाय देम गवर्न आउट होते हैं. तो जो एडवांटेज है वो कितना दिया गया है एलीट क्लास को, और अल्टीमेटली जैसे कि मार्क्स ने बोला कि इट इज़ अ इंस्ट्रूमेंट फॉर दोज हु आर एट एलीट लेवल, हु आर कैपिटलिस्ट, हु आर रिच, हु आर एट सच लेवल, जो इन सबको वर्कआउट करवाते हैं, इनका रूल डिस्पोज करते हैं. तो एक तरीके से वो कठपुतली ही मानी जाएगी, क्योंकि जो राज्य है वो नाम से, कॉन्सेप्ट से आप निकाल रहे हैं कि आपको डेवलपमेंट और सोसाइटी का डेवलपमेंट करना है, बट जो चलाने वाले हैं वो वही लोग हैं जो डोमिनेशन
करते हैं और इम्पोज करते हैं और इनजस्टिस रखते हैं. सो वॉट इज द यूज ऑफ दिस? सो दिस क्लेम कैन हैव थ्री पॉसिबल सोर्सेज: वायलेंस, रिलीजन और सुपरियरिटी ऑफ इंटेलिजेंस. एंड इन कॉन्ट्रास्ट टू मार्क्स, बकुनिन राइट्स ऑफ द ब्यूरोक्रेसी एज अ क्लास. इन सम कंट्रीज सच एज टर्किश ऑक्यूपाइड सर्बिया, देयर इज नो बर्गोइस और नोबिलिटी बट ओनली अ ब्यूरोक्रेटिक क्लास विच इज डायरेक्टली द रूलिंग क्लास. सो क्लास सच एज द बर्गोइस और जो जितने भी अलग अलग स्टेट में अलग अलग टाइप की रूलिंग क्लास थी, दे हैव वर्कड आउट ऑन देयर ओन वे. सो बिकम्स अ रूलिंग क्लास व्हेन अदर रूलिंग क्लास आर एग्जॉस्टेड एंड द स्टेट इज रिड्यूस्ड टू बीइंग अ मशीन. तो बाय दिस दे कम टू नो कि जो स्टेट है वो एक तरीके की मशीन है, जहाँ जिसकी जो एलीट क्लास या जो क्लास जीत जाती है वो वहाँ पर रूल करने लगती है, जो दूसरी क्लास अगर एग्जॉस्ट हो जाती है तो वो लूज आउट हो जाती है. तो इट इज अ काइंड ऑफ अ मशीन कॉन्सेप्ट. He also talks about state varying in their composition and military and all these things. And as usual, जैसे कि मैंने अपने previous lecture में बताया, classes and class struggle evolved out हुआ. जैसे कि privileged classes, as they say कि जो relationship है between the state and the burgoys, वो थोड़ा friendly है but complex भी है. उन्होंने बोला कि जो बर्गोइस हैं वो अपने तरीके की स्टेट बनाना चाहते हैं, जैसे कि जहाँ वो अपने रूल्स चलाएं, अपने तरीके के रेगुलेशंस दें. वो इट सीक्स द स्ट्रॉन्गेस्ट पॉसिबल स्टेट अगेंस्ट रिबेलियन. सो मिलिट्री डिक्टेटरशिप एंड वांट्स दिस कवर्ड अप विद फॉर्म्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन फॉर आइडियोलॉजिकल रीजंस, बोथ इंटरनल टू द बर्गोइस एंड द डायरेक्टेड एट द मासेस. सो बाय दीस थिंग दे सेड इट कि जो प्रिविलेजेस क्लास हैं उनको इतनी अपॉर्चुनिटी, उनको इतनी चॉइस दी जाती है, और यही एक नेगेटिव एक्सपीरियंस है. क्यों? क्योंकि जो प्रिविलेज क्लासेस हैं उनको ही अगर फॉर्मेशन में ही फॉर्मेशन के बेस पे ही उनको रखा जाए तो देर इज व्हाट विल बी द काउंट ऑफ द अदर क्लास. वो क्या करेंगी? दैट विल मेक इफेक्ट ऑन वंस हार्ट्स एंड माइंड. ऑफ कोर्स जो पॉपुलर क्लास, जो लोकप्रिय क्लासेस है, आई बिलीव कि जो बगॉयज हैं और ये दे कन्फ्रंट विद ईच अदर बिकॉज दे आर एनिमीज, क्योंकि उन पर अत्याचार हो रहा है, तो वो रेवोल्यूशन की बात करते हैं, रिफॉर्म की बात करते हैं, रिवॉल्ट की बात करते हैं. और जो हमने देखा भी 1834 से लेकर 1848 तक जो रिवॉल्ट हुआ फ्रांस में, वो इसीलिए हुआ क्योंकि जो अदर क्लास है वो वर्किंग क्लास पे इतनी डोमिनेशन, इतना सप्रेशन और इतनी स्लेवरी थी कि दे कैन नॉट इवन हैव सम ऑफ द लिबर्टी टू टेक like their own decision, खुल के सांस ले सकें या कुछ बोल सकें. so these things has took place which brings out in the form of revolt कि हमें उनके अगेंस्ट बोलना है क्योंकि इतना अत्याचार नहीं सह सकते. अगर उनकी हुकूमत इतनी ही चल रही है तो then what will be the right to live over here. so उन्होंने बोला जो state है वो based on force है, not right. कि जो state concept है वो जिसकी हुकूमत है, जिसके पास फोर्स है, जिसके पास सोर्स है, वो उसका राज्य हो जाएगा. मतलब एक राइट टाइप का नहीं है कि लाइक हु टू बी गवर्न दिस एंड हाउ टू बी लीड आउट और कैसे अलायंस होनी चाहिए. देयर शुड बी समथिंग दैट मेक्स लाइक सेंसिबल रीजन टू दीज थिंग. ऑटोनॉमी इज हेयर ट्रीटेड वेरी स्ट्रिक्टली. देर आर टू बी नो अलायंस विद द पॉलिटिकल फोर्सेज एज द बेसिस ऑफ पावर इज टू बी सोशल एंड एंटी पॉलिटिकल. तो उनका कहना था कि एंटी पॉलिटिकल होना चाहिए बिकॉज जो स्टेट कॉन्सेप्ट है इज नॉट वेरी टू लिटल कि कोई भी आके या अपनी हुकूमत से अपने फोर्स आके इसको कर लो और पलूटेड कर ले. बिकॉज जो कैपिटलिस्ट के आइडियाज़ हैं, जिस तरीके से हमने देखे, जिस वजह से रेवोल्यूशन और रिफॉर्म हुआ, वो यही रीजन था कि इन सब चीज़ों को ख़त्म किया जा सके. बट बाई दिस कॉन्सेप्ट दिस ब्रिंग्स मोर टू द सोसाइटी. Various Marx treats inclusion in capitalism as having civilizing effects and other things. So, उन्होंने बोला कि peasants usually appear in Bakunin account as a revolutionary force. He enthusiastically contrasts his own praise of peasant resistance to Marx's contempt कि जो less connected थे urban workers से to the core functioning of the peasants are taken to retain the instinct of rebellion. Also recognized that the peasantry are not always revolutionary क्योंकि अत्याचार किसी के भी साथ हो सकता है और जिनके साथ होता है वो revolutionary या कुछ reform ऐसे लाते हैं because they cannot stay in such situation जहाँ इतना ज़्यादा injustice हो और इतनी ज़्यादा cruelty impose की जाए. तो Marx और Bakunin के जो thoughts थे state को लेके वो बहुत ज़्यादा against थे कि state नहीं होना चाहिए, क्योंकि state हमेशा से उन लोगों का हुआ है जो हमेशा से हुकूमत करते आए और दूसरों पे हुकूमत जताते आए हैं, और जो स्लेवरी को जिन्होंने प्रैक्टिस करवाया है और डोमिनेशन करा है और सप्रेस करा है अदर क्लास को, क्योंकि वो कभी चाहते ही नहीं है कि लोअर क्लास या वर्किंग क्लास कभी उनसे ऊपर आए या उभरे या वो भी अपना प्रैक्टिस कुछ करें या उनके पास भी कोई पावर आए. तो दे ऑलवेज अगेंस्ट देम. दैट्स व्हाई दे बोथ हैव टॉक अगेंस्ट द स्टेट कॉन्सेप्ट. थैंक यू सो मच.
for watching this video.